Class 11th Mathematics Chapter Number 9 Sequence and Series आपका चल रहा है और इसमें हम Question Number 21 पा रहे हैं Exercise 9C Question हमारा है If first term of AB is 100 and sum of 6th term is 5 times of the sum of next 6th term Then find the common difference of AP, AP का common difference निकालना तो कुल मिला गए हमारे क्वेश्चन में 6 टर्म पहली है और 6 टर्म नेक्स्ट है यानी कि 12 टर्म है हमने पहले टर्म लिखी फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से 12 तक लिखी तो पहली 6 टर्म का जो टोटल है उसको हमने S6 से काउंट करा और नेक्स्ट 6 टर्म का जो टोटल है उसको हमने S- 6 से काउंट करा और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन है a is equal to 100 ये लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ ap is 100 a तो आ गई 100 और जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी पहली 6 टर्म का सम यानी कि s6 5 टाइम्स ऑफ द नेक्स्ट 6 टर्म के सम के इक्वल ये कंडीशन हमें दी हुई है तो हम इसमें क्वेश्चन में फार्मूला लगाओगे 6 by 2 to a a की जगह 100 प्लस 6 minus 1 into d ऐसे 5 6 by 2 क्योंकि होगी 6 टर्म का सम है तो 6 by 2 आएगा 2a बस कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का a नहीं आएगा था इसमें नेक्स्ट 6 टर्म की जो फर्स्ट टर्म है वो है t7 तो इसमें नेक्स्ट में a ही है क्या होगा t7 तो इसमें हमने t7 लिख दिया प्लस 6 माइनस 1 इनटू d ये 6 by 2 से 6 by 2 कट गया 205 भी 5 बाहर 2 t7 की वैल्यू a प्लस 7 माइनस 1 इनटू d फार्मूला लग गया प्लस के 5d ये 5d आ गया ये 200 प्लस 5d एडिटेड 5 जो बात हो इसकी मल्टीप्लाई करें 2a यहां बचेगा 6 6 टू द 12 5d 12 और d 12d और 5d हो गए 17d ये हो गए 200 a की वैल्यू लग गई 100 तो 200 प्लस 5d 200 प्लस 5d ये एडिटेड है 5 एडिटेड और ये आ गया 200 प्लस के 17d अंदर मल्टीप्लाई करी इसमें इसे मल्टीप्लाई करके आ गया 1000 205 का 5 की इसमें मल्टीप्लाई करी 85 आ गया इस 85d को इधर से इधर ले आए माइनस का हो गया 200 प्लस का था वो जाकर माइनस का हो गया माइनस के 80d = 200 d = 800 अपॉन माइनस 80d तो ये आ गया d की वैल्यू माइनस 10 और हमें सवाल में क्या निकालना था कॉमन डिफरेंस मतलब कि d डी की वैल्यू आ गई माइनस 10 ये इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दे रखा द फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए बी आर रेस्पेक्टिवली ए बी और 1 ये बुक में आपकी गलती दिया हुआ है एल दे रखा आप उसको बी कर लेंगे आपकी बुक में ये दे रखा प्रूव दैट द सम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b 1 माइनस a प्लस b ये आपको प्रूव करना सम ऑफ एन टर्म ये दे रखा है तो हमें ये नहीं पता इस क्वेश्चन में कितनी टर्म है तो पहले निकालने दो n की वैल्यू तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म दे रखी a लास्ट टर्म है b और कॉमन डिफरेंस है इसका 1 ये तीनों चीज दी है तो l का फार्मूला लगा हमने l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d l की जगह रखा b फर्स्ट टर्म a n माइनस 1 d की जगह 1 रखा हमने और हमने n को इधर रख लिया बाकी a कह रहा है प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया 1 कह रहा है माइनस का इधर आगे प्लस का होगा n की वैल्यू आ गई 1 माइनस a प्लस b अब हमने फार्मूला लगाया sn का n / 2 a प्लस n n / 2 n की वैल्यू यहां से रखते हैं 1 माइनस a प्लस b बटे 2 और ये बाई टू यहाँ से आ गया ए एडिटिंग और एल की वैल्यू क्वेश्चन में है टी और यही आपको प्रूव करना दैट्स ऑल क्वेश्चन नंबर 23 आपका समाप्त हो गया ये आपका प्रूव हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को बताएंगे आपको और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे